Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. पीठ पर एक बच्चा, साथ में दूसरा बच्चा। ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंच गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में। पिछले दिनों जब ये यात्रा महाराष्ट्र से होकर गुजरी तो ओजस अपने बच्चों के साथ शामिल हो गई। कमाल की बात तो ये है कि ना तो ये महिला कांग्रेस की कोई लॉयल वोटर है और ना ही पार्टी की कोई अंधभक्त। दरअसल कांग्रेस की नफरत के खिलाफ ये यात्रा इनके मन को भा गई है। ओजस ने बताया, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब हंसी मजाक में टाल दिया था, लेकिन बाद में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जब चल रही थी तब हम थोड़ा फॉलो कर रहे थे उसको, और पहले तो बिल्कुल उन पे हंसी मजाक होगी, पता नहीं कितना चलेंगे क्या चलेंगे। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे लोग इकट्ठा आते रहे, और वो बियॉन्ड एनी पार्टी पॉलिटिक्स, कोई पार्टी किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी भी पार्टी के वोटर हो, वो उसके परे जाके इकट्ठा लोग आने लगे। और हमें एज अ इंडिविजुअल, मैं और प्रसाद जो मेरे हस्बैंड है, उन्हें लगा कि हमें एज अ इंडिविजुअल हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हमने अलग अलग पार्टिसिपेट करने का सोचा था। तो बच्चों से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पदयात्रा तो हमें भी जाना है, वो भी अलग अलग सामाजिक काम जब होते हैं तो वो जुड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों, मतलब हमें एक अभी क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो ऐसा हमने सोचा, थोड़ा सा रिसर्च भी किया, तो एज अ पेरेंट हम एक सुरक्षित जगह पे बच्चों को हमेशा लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में नफरत का माहौल तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हर जगह होता है, कुछ ना कुछ छोटे 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 सब्जेक्ट्स निकाल के भड़काऊ भाषण देना, इनको मारो उनको मारो, इसका काला करो मुँह, ये सभी चलता रहता है। बच्चों तक ये नफरत आती भी रहती है, बच्चों तक ये असुरक्षितता आती भी रहती है। लेकिन अगर कहीं भी एक छोटी सी आशा की किरण है जहाँ पे हम बच्चों को ले जा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इतना जन सैलाब है, जहाँ द्वेष है वहाँ प्यार भी है, जहाँ नफरत है वहाँ पे एक चाह भी है कि हम इकट्ठा आगे जा सकते हैं। ओजस दो बच्चों की माँ है, बच्चे छोटे हैं, ऐसे में कई लोगों का सवाल था कि इतने छोटे बच्चों को इतनी भीड़ में ले जाने की क्यों सोची। इस पर ओजस ने बताया कि उनसे ज्यादा ऊर्जा उनके बच्चों में थी, बल्कि यात्रा के दौरान उनका 7 साल का बेटा बिन किसी शिकायत के चलता रहा। हमने तय किया था कि जिसको जितना चलना है, लास्ट बंदा जो है वो फर्स्ट बंदा है जो कहेगा बस अब मेरा हो गया, देन वी विल स्टॉप। या नवीर का सबसे कम स्पीड, हमें लगा था कि उसका कम स्पीड है लेकिन नहीं था, वो जब जितने स्पीड से जा पाएगा वहाँ तक हम जाएंगे। लेकिन पूरा वो चला, हम भी चले 12 किलोमीटर, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सोचा कि हम में से कोई एक जाएगा और बच्चे घर आराम से सो जाएंगे वहाँ पे कैंप पे। लेकिन जैसे हम चुपके उठ के सभी प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बिल्कुल कितने 5:30 बजे हो गए, वो बिल्कुल उठ गए और उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, हमें भी जाना है। तो वो जो प्रेरणा मिली, और उसके आगे भी वो 5 किलोमीटर चले ठंड में, हम हर 1 किलोमीटर पे बोल रहे थे कि हम रुक जाते हैं, लेकिन वो जो प्रेरणा मिलती है अंदर से कि हम थके हैं, हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो बातें करनी है, हमें जो सीखना है समाज से, वो सीखते रहे, आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छा अनुभव बच्चों को भी मिला। आई थिंक वो शायद आगे जाके देखेंगे। और मैं तब भी बोली कि बच्चे आंखें भर कर देखे कि इतने सारे लोग हैं जो इस देश में प्यार चाहते हैं और सुरक्षितता चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। एज अ मदर, एज अ फैमिली, हम हमेशा चाहेंगे कि बच्चों एक सुरक्षित जगह हो, ऐसी बातें हो जहाँ पे प्यार की बातें हो, जोड़ने की बातें हो, विसंवाद की बातें ना हो, या फिर असली मुद्दे उठे बच्चों की शिक्षा के बारे में। आगे जाके वो बड़ी शिक्षा लेंगे, उन्हें भी रोज़गार चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे परवरिश भी अच्छी कर पाए और ऑफकोर्स इकोनॉमिक सेफ्टी हो, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन हो। तो ये सभी बातें उस यात्रा में हो रही है, और नॉन कांग्रेसी जिस तादाद में उस यात्रा से जुड़ रहे हैं वो एक बहुत ही सुंदर माहौल है। वैसे ओजस बताती हैं कि बच्चों को यात्रा में ले जाने के लिए उन्हें अपनी माँ से डांट भी खानी पड़ी, साथ ही राहुल का बच्चों को चॉकलेट देना भी बच्चों का दिन बना गया। मेरे
माँ ने डांट भी लगाई कि इतना बच्चों को क्यों चलाया, फिर हमने झगड़ा किया। मसा डेमोक्रेसी तो दोनों तरफ से होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं चलाया, अपने आप से चल रहे हैं, हमने रोकने के कहाँ, फिर भी चल रहे हैं। तो वो तो राहुल गांधी जी ने चॉकलेट दिया था हाँ को। तो एक्चुअली मैंने बिल्कुल बेशर्मी से जब सिविल सोसाइटी मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैंने खादी का शॉर्ट उनको दिया था कि हमारे जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उनकी तरफ से, उन्हें कहा मेरे दो बच्चे चल रहे हैं क्या आप उनको उनके लिए चॉकलेट देंगे, तो बिल्कुल उन्होंने किसी को वहाँ पे कार्यकर्ता था अरे दे दो उनको चॉकलेट, बहुत ही प्यार से उन्होंने दिया। तो आई थिंक उतना ही इंटरेक्शन था, जो मैं जब बाहर आई तो ये वही खड़े थे, तो मैंने कहा राहुल गांधी ने चॉकलेट दिया, तो उन्होंने बहुत बच्चों ने अरे मेरे चॉकलेट मिला है ना। हम लोग सिर्फ संडे को चॉकलेट खाते हैं, तो हम चॉकलेट जेब में रख के चल रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो राहुल गांधी का स्पेशल चॉकलेट है, सो वी एट इट दैट डे। लेकिन तो बच्चों को और भी स्पेशल लगा कि हमने बिना संडे के चॉकलेट खाया। ओजस ने कहा कि पदयात्रा में हजारों लोग मौजूद थे, किसी को नहीं जानते थे, लेकिन एक अपनापन था। साथ ही राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ भी कर दी। ना ही हम कांग्रेसी हैं, ना ही हम कांग्रेस के लॉयल वोटर हैं, और बाकी यात्रा के हम मतलब रजिस्टर भी नहीं किया था, हम ऐसे ही गए थे। तो हम अपना खाना साथ में लेके गए थे और अपना टेंट जो छोटा होता है, जब हम कहीं भी ट्रैक्स पे जाते हैं तो लेके जाते हैं, वो हम साथ में लेके गए थे। हमने सोचा कि चलो जितना जा सके जाए, जहाँ खेत में टेंट लगा के सोए। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब क्योंकि दोस्ती हो गई बहुत अच्छी पद यात्रियों से, भारत यात्रियों से, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आके रहिए। तो हम कैंप टू में रहे थे, दो कैंप्स होते हैं वहाँ पे, तो कैंप टू में रहे थे और वहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छा लगा कि हजारों लोग वहाँ पे हैं। खाना सभी के लिए था, बेडिंग काफ़ी अच्छी व्यवस्था, टेंट है वो भी बड़े बड़े टेंट्स ही है और डिसमेंटल करके अगले गाँव जाते हैं वो भी। इतने लोगों के शेयर्ड रिसोर्स होने के बावजूद वो बिल्कुल अपनापन था वहाँ पे। मुझ में हम किसी को जानते नहीं थे, लेकिन वो एक अपनापन बहुत अच्छा था वहाँ पे। उनके साथ कभी भी ऐसे झगड़ा नहीं होता, अरे मुझे रोटी चाहिए, आराम से लोग, एक अलग लेवल का अनुशासन अपने अंदर से आ रहा था वैसा हमें महसूस हुआ। फिर सिविल सोसाइटी मीटिंग्स में मेरा पार्टिसिपेशन था, तो उन्होंने 40 मिनट लोगों को दिए थे। हमारे गुट में मेधा पाटकर जी थी, अफसर अली खान साहब थे, संजय मंगला गोपाल थे, सुनीति ताई थी, गैब थी, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने अलग अलग मुद्दों पे बात की और राहुल जी ने सुनी वो बातें। उन्होंने 40 मिनट में से 5-7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट गिवन टेक बात की होगी, बाकी सभी टाइम उन्होंने सुना। वहाँ पे जयराम रमेश जी भी थे, दिग्विजय भी थे। वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कांग्रेस लीडर्स जो यू नो एट वन लेवल हमें लगता था कि वो सत्ता में बैठे हैं, हम बात कैसे कर सके, बहुत अच्छे से बात हो रही थी। उन्होंने वो सत्ता में थे तब भी समझ में आता, एटलीस्ट उनसे कुछ संवाद हो सकता था। आज भी ये महसूस हुआ कि हाँ उनसे कुछ बात हो सकती है, उन वो सुनने के मूड में है। वो बहुत ही हमें अच्छा लगा, वो काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव लगा। आई थिंक नेता और पॉलिटिशियंस यही ये थोड़ा सोचे कि हाँ हमें सुनना है लोगों का, ज़्यादा बताने अपनी ही बात लोगों के गले उतारने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने वो सुने जनता की बात।